जोहार सत्य जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। फिलहाल मैं भी लोपीटी धनबाद में हूँ, जहाँ पर जिला स्तरीय करम पर्व को लेकर के एक महोत्सव किया गया था। हर साल यहाँ पर होता है, प्रतियोगिता होता है, तमाम जो बहनें हैं वो आती हैं, कर्म नाच करती हैं, कर्म गीत गाती हैं, और उसके बाद जो परफॉर्मेंस इनका अच्छा होता है उनको प्राइज दिया जाता है। लेकिन तमाम जो बहनें हैं उन सभी को प्रोत्साहन भी किया जाता है। यहाँ पर जो कमेटी के लोग हैं वो सभी पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम को लेकर के हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच अभी अशोक जी हैं, सबसे पहले आपको जोहार स्वागत करते हैं। जोहार जितेंद्र बाबू। कार्यक्रम सबका क्या जो है उद्देश्य रहता है और कार्यक्रम कैसा होता है? अभी आज जैसे कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर चल पड़ा है। जैसा कि जितेंद्र बाबू आप पहले भी आ चुके हैं और ये जिला स्तरीय करम महोत्सव का तीसरा साल है, और इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य हम लोगों को जितने भी युवा पीढ़ी के सदस्य है साथीगण है, हम लोगों ने शुरुआत में ही सोचा था कि जो झारखंड का सबसे बड़ा त्यौहार जो है करम पर्व, कहीं ना कहीं बाहरी जो पर्व त्यौहार थे उनके आ जाने से धीरे धीरे ये जो विलुप्त होती जा रही थी और झारखंडी संस्कृति समाप्त होती जा रही थी, तो इन करम पर्व के माध्यम से इन त्योहारों को बचाने का प्रयास करने के उद्देश्य से, ताकि हमारे माँ बहनों के द्वारा जो पुरखैनी गीत थे उन गीतों के माध्यम से जो करम पर्व का महत्व जो उजागर होता है उस चीज को बचाने के उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ पर ये जिला स्तरीय करम महोत्सव का आयोजन किया था। ये कार्यक्रम किस बैनर तले किया जाता है? यह कार्यक्रम जो है करम अखाड़ा समिति लोपीटी के द्वारा आयोजन किया जाता है, आयोजन करता ही समिति है, और कमेटी के सभी सदस्य जो है युवा पीढ़ी के शिक्षित लड़के हैं जो चाहते हैं कि किसी तरह से हमारी झारखंडी संस्कृति जो विलुप्त तो होती जा रही है उसको बचा किस प्रकार से बच सके। तमाम जो बहनें इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं, तो बहनों का जो उत्साह है वो किस प्रकार का होता है? हम लोग विगत दो वर्षों से, और ये तीसरा साल है, ये तीन सालों में हम लोगों ने देखा है कि हमारी कर्मेती बहनें उत्साह पूर्वक यहाँ पर आती है और लगभग 50 से 60 टीमें जो है यहाँ पर हिस्सा लेती है, और इन कर्मेती बहनों के द्वारा कहीं ना कहीं इस करम महोत्सव के माध्यम से अपने गीतों के द्वारा झारखंडी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया जाता है। मुकेश जी भी हमारे बीच में है। अच्छा, इसमें फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज कहाँ कहाँ क्या है? फर्स्ट प्राइज आपका सबसे पहला था बाधाडी, जो गया है फर्स्ट प्राइज, उन्होंने बाधाडी बोकारो जिला का है फर्स्ट प्राइज, जिन्होंने बहुत अच्छा डांस किया और गाना भी उनका जो था गीत करम गीत वो पुरखेनी गीत भी था और जो समाज से रिलेटेड होता है वो सभी उसमें देखने को मिला, प्लस झारखंड का वीर सपूत जो थे विनोद बाबू उससे रिलेटेड उसका गीत बहुत अच्छा था। सेकंड और सेकंड कहाँ का था? हाँ, सेकंड यहाँ का जो लोपीटी पंचायत के अंतर्गत अंधारी वाला जो टीम है उन्होंने सेकंड प्राइज हासिल किया है, जिन्होंने भी बहुत अच्छा नृत्य किया और उसके भी गीत बहुत पुरखेनी और आधुनिक तरह के थे, जिन्होंने झारखंड के से जुड़े हुए मुद्दों को उजागर किया था उसके गीतों ने। जो भी यहाँ पर जो गीत गाते हैं इस करम महोत्सव में वो किस प्रकार का गीत पे जो है फोकस रहता है? यहाँ पे ज्यादातर पुरखेनी गीत चलती है, उसके बाद भाई बहन से रिलेटेड जो कुछ गीत रहती है वो चलती है, और तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो झारखंड के जो शहीद हुए हैं वो लोग के नाम पे गीत बनता है, उसके बाद जो आधुनिक दौर में जो कुछ आंदोलनकारी हैं, कोई क्रांतिकारी हैं, उन लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, उसको आधार बना के बहने गीत बनाती है और उसको लेके यहाँ गाती है, जिससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उन लोग का। थर्ड जो है कौन है? थर्ड सीता ग्रुप है, ये लाहरबेड़ा की टीम है, ये तेलमोचो पंचायत के अंतर्गत आती है, और इन्होंने भी बहुत बेहतर इनका परफॉर्मेंस रहा, उसके अंतर्गत भी हम लोगों ने वो सब चीज देखा जो चीज एक भाई बहन अपने करम गीत के माध्यम से गाती है और जो अपने माँ से, अपने चाची से, दादी से जो गीत उन लोग सीखते चली आ रही है, उन लोग वो गीत सीखी हुई है और उससे जो गाई है वो बहुत बेहतर प्रदर्शन के आधार पर। थोड़ा अपना परिचय बताइए। मेरा नाम देवीलाल महतो हुआ, और जो भी बहनें हैं इस करम पर्व में, करम महोत्सव में अपना भागीदारी सुनिश्चित करती हैं, इसमें हिस्सा लेती हैं, पहले और अभी में संस्कृति को लेकर के जो युवतियाँ हैं उनमें क्या कैसा अंतर जो आप देखते हैं? पहले ये चूंकि हमारा करम पर्व जो है ये हमारी सांस्कृतिक प्रोग्राम है, सांस्कृतिक पर्व है, जिसमें भाई बहन के एक अटूट रिश्ते को दर्शाते हुए बहन 8 दिन 10 दिन तक ये मेहनत करती है, उपवास करती है, क्या बोलते हैं जिस प्रकार हम व्रत का पालन करते हैं उस प्रकार जावा का भी पालन करते हुए जावा उगाती है और भाई के
भाई और बहन के प्रेम को दर्शाते हुए करम पर्व मनाती है। क्योंकि हमारी सांस्कृतिक प्रोग्राम जो ये है धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर थी, परंतु अभी हमें बहुत हर्ष और उल्लास के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे नए पीढ़ी के जितने भी नौजवान भाई लोग हैं, नए पीढ़ी के जितने भी बहन लोग हैं, वो इस पुराने सांस्कृतिक प्रोग्राम को पुनः प्रचार प्रसार करने में पूरे उत्तेजित है और इस विलुप्त होने वाली संस्कृति को बचाने में कारगर साबित हो रहा है। आकाश विरुदा, कार्यक्रम जो इस प्रकार का होता है, लगभग झारखंड के तमाम क्षेत्रों में करम पर्व को लेकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है, तो कार्यक्रम होने से क्या कुछ जो समाज में प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे पहले जितेंद्र बाबू आपके चैनल को जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे जिला स्तरीय करम महोत्सव जो लॉपिटी के ऑफिस ग्राउंड में आयोजन किया गया था उसमें समय दिए। देखिए, झारखंड प्रदेश जो बिहार राज्य से अलग हुआ था तो किस मकसद से अलग हुआ था? यहाँ की भौगोलिक दृष्टि, भूगोल, सांस्कृतिक त्यौहार, पर्व त्यौहार बिल्कुल ही एकदम बिहार से अलग था। यहाँ के लोगों का रहन सहन उन लोग से एकदम मैच नहीं करता था, इसीलिए अलग हुआ था। तो इस सांस्कृतिक में एक महत्वपूर्ण त्यौहार जैसे हर एक राज्य का होता है, जैसे महाराष्ट्र में गणपति बप्पा जी का बहुत ही जोरों धूमधाम से मनाया जाता है, बंगाल में माँ दुर्गा जी का त्यौहार दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक उसी में जैसे कि बिहार में हो गया छठ पूजा बहुत ही जोरों धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे झारखंड का सबसे बड़ा त्यौहार करम को माना जाता है। करम ये ऐसा चीज, देखिए, अपना त्यौहार को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बचा के त्यौहार को नहीं रखिएगा ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो वंश है, जो आपके मतलब झारखंड में रहने वाले लोग हैं, वो उसका जो वंश धीरे धीरे ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वंश का रिलेटेड, यहाँ की जनता का रिलेटेड, यहाँ का जनजाति का रिलेटेड संबंध जो है सांस्कृतिक त्यौहारों से होता है, इसीलिए सांस्कृतिक त्यौहार को बचा के बहुत रखना जरूरी है। युवाओं का इसमें इस तरह के जो कार्यक्रमों में कितना ज्यादा इसमें अपना योगदान देना चाहिए? देखिए, युवा मतलब एक जोश होता है, और युवा वो शक्ति है जो हर चीज को मतलब पलटने का ताकत रखती है। जैसे कि देखिए, देश की सुरक्षा की बात आती है तो सबसे पहले युवा लोग आगे आते हैं, और भारत की अगर आज़ादी की बात की जाए तो युवा पहले आगे आए थे, युवाओं ने बलिदान दिया था। ठीक उसी प्रकार त्योहारों की बात हो, राजनीति की बात हो, तो युवा को बढ़ चढ़ के आगे करना चाहिए, क्योंकि युवा वो चीज़ है जो मतलब जो पॉसिबल नहीं उसको पॉसिबल करते हैं युवा, इसीलिए युवा को इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में युवा ही नहीं, हर एक वर्ग को, युवा वर्ग हो गए, बुजुर्ग वर्ग हो गए, वयस्क वर्ग हो गए, सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। एक चीज हम थोड़ा सा जानना चाह रहे थे कि करम पर्व में जो बहने जो करम गीत गाती हैं, इस गीतों का कितना इम्पोर्टेंस होता है करम पर्व में, इनसे जुड़ी होती है? देखिए जितेंद्र बाबू, सही मायने में अगर देखा जाए तो करम पर्व जो है ये पूर्ण रूप से एक प्रकृति का त्यौहार है, जिसमें हम लोग धान की या जो हम लोग खाते हैं नौ बीजों को, हमारी बहने जो है इसको 7 दिन 9 दिन के लिए जवा उठाती है, और मूल रूप से ये त्यौहार जो है ये कृषि आधारित त्यौहार है, इसमें ना कोई धर्म ना कोई जाति से ये संबंधित है, और हमारी बहने जो है अपने गीतों के माध्यम से जो है करम गीतों के भाव को दर्शाती है, जो ये गीतें हमको बताती है कि किस प्रकार से बहन लोग जो है 7 दिन ये जवा को उठाकर जो है उसका सेवन करती है, और ये संदेश देती है भाइयों को कि किस प्रकार से खेती का सेवन करके हम लोग जो है बीजों को तैयार करके फसल तैयार कर सकते हैं, और फिर मानव जाति जो है उस अन्न से अपना पेट भर सकती है।